आर वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आज हम मलाड में भूषण पाटिल जी का रैली के लिए यहाँ पर कवर किए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है। हमने आज मठ ज्योति से लेकर मालवनी चर्च तक आज रैली जो थी, अगर उस रैली में आपका अगर चैनल मौजूद था तो आपको खुद को मालूम पड़ा होगा कि आज कितना वहां पर माहौल जो था, मतलब हर पूरे मठ से लेकर भाटी तक एरंगल तक लोकल लोग अपने घर घर से बाहर निकले थे भूषण पाटिल को समर्थन देने के लिए। और इतना जल्लोष था उस रैली में आए कि इतने तादाद में, हजारों तादाद में सिर्फ लोकल लोग थे, वहां कोई किसी भाड़े से लोग नहीं आए थे। सारे एरिया के सारे मढ़ निवासी, मढ़ कोली वाले थे, कोली समाज के लोग और कई समाज के लोग सब लोकल इसमें थे। और इतना जल्लोष के साथ वहां पर आज रैली निकला मन में कि ऐसे रैली अगर हमें हर जगह दिखाई दे तो हमारे इंडिया महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार भूषण पाटिल, हमें ऐसा लगता है कि उनकी जीत निश्चित है। क्या सपोर्ट रहेगा उनका भूषण पाटिल के लिए? भूषण पाटिल, मैंने यही तो कह दिया कि हर कोलीवाड़ा से घर घर से लोग भूषण पाटिल को समर्थन देने के लिए निकले थे। आप खुद चैनल वाले मौजूद थे, आपने देखा होगा, मैं मेरे मन से नहीं बोलता हूँ, और रैली में आपने देखा होगा कि रैली में हर घर से कोलीवाड़ा से पूरा भाटी में तो पूरा भाटी कोलीवाड़ा पूरा खाली हुआ था, कोई भी एक घर में मौजूद नहीं थे। आज रैली के अंदर मेरे ख्याल से कम 5,000 लोग रहेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो मंगलसूत्र भेज देंगे, इसको क्या कहना चाहेंगे? अरे कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र पहनने वाले कौन है? हिंदू लोग है तो तुम लोग क्या हिंदू लोग को ही मंगलसूत्र कराएंगे? और तो कोई ज्यादातर हिंदू लोग ही मंगलसूत्र पहनते हैं, मोहम्मदन पहनते क्या? अगर कोई थोड़े बहुत हो गए तो 5 चक्का पट जाएंगे, तो आप मंगलसूत्र किसके उतारने वाले हैं? इसका मैं सुन लो, हिंदू के मंगलसूत्र उतारने, हिंदू क्या एक लोग के मंगलसूत्र उतारने वाले हैं? ये कहा जा रहा है कि अडानी की तरफ से पैसा आया। आज आप देखते हो कि बीजेपी का काम ही है पैसे देते लोगों को खरीदना, उन्होंने किसको खरीदना नहीं आज इंडिया। अगर उनके विरोध में कोई बोलेगा तो इसको ईडी लगाते या इसकी धमकी देते खरीदते, बाद में वो पास में आता है तो इसको ईडी से भी बचाते और पैसा भी देते हैं बहुत सारे। अभी इसका जवाब उनको 20 तारीख के बाद मिलेगा, 4 तारीख को उनको जवाब मिलने का, किसकी भेष और किसकी भेष किसको देना है। क्या लगता है बलान इंडिया की? हम मलाड विधानसभा में गारंटी के साथ कहते हैं कि कम से कम इस मलाड विधानसभा से भूषण पाटिल को हम लोग 1,00,000 मत देंगे। पहले गोपाल शेट्टी यहाँ के विनर थे भाजपा के, अभी पीयूष गोयल को लाया, तो ये फायदा होगा बीजेपी के लिए या नुकसान होगा? क्योंकि वो मंत्री भी हैं, तो ये फायदा है कि नुकसान है बीजेपी के लिए? देखो क्या है, बीजेपी का जो सरकार या किसी को चुनना किसी को टिकट देना, वहाँ कोई हाई कमांड नहीं, 2 आदमी का ही चलता है, मोदी और शाह का, अमित शाह का ही चलता है वहां पर या मोदी का चलता है। अभी गोपाल शेट्टी यहाँ के जो सांसद थे, अभी उनका काम अच्छा था और पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सेकंड नंबर में गोपाल शेट्टी थे, तो क्या वजह था उसको हटाने का? इसका मैं
जो काम करने वाला आदमी हटा के तुमने बाहर का आदमी पावर सेट पे लाके यहाँ पर दिया, तो उसके वजह से बीजेपी भी यहाँ पर नाराज है गोपाल शर्मा को टिकट न देने से, और सारे उसके कार्यकर्ता, तो उसमें जरूर फर्क पड़ने वाला है बीजेपी को। मच्छी मार्केट में 300 ले आए थे, वहाँ पर उन्होंने नाक पे रुमाल लगाया था, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है कोली समाज में? ये है कि अगर ये उम्मीदवार जीत के आया और अपने मुंह के ऊपर अगर ये रुमाल लगाता है, तो अगर जीत के आएगी तो कोली समाज की ये समस्या क्या ये सुधारेगा? क्या ये कोली समाज के लिए करेगा? कभी आएगा ही नहीं कोली समाज के लिए। विधायक गोपाल और एक स्थानीय कैंडिडेट की तरफ से, स्थानीय और विधायक गोपाल, इन दोनों में क्या अंतर देखकर जनता किसको बसवा रही है? जनता इसमें हाई प्रोफाइल का कोई सवाल नहीं आता है। जनता आज चाहती है कि इस बार हमें सरकार बदलनी है, क्योंकि ये जो मोदी सरकार से जनता बिल्कुल हैरान हो चुकी है। आप लोग का इतना हैरान होगी कि उनको सरकार बनना है, तो यहाँ पर हाई प्रोफाइल का कोई सवाल नहीं उठता। आज मलाड में रैली था, मलाड में घर है यहाँ पर अर्जुन सिंह का एमएलए, तो इसका फायदा होगा इस रैली से? सवाल ही नहीं उठता है। सम्मानीय असलम शेख, ये यहाँ के कार्य सम्राट अंबार है, और उसके पूर्ण यहाँ मलाड चाहने वाले, चाहे कोई समाज का, कोली हो, गुजराती हो, मामेडन हो, कोई भी हो, सब उनको चाहते हैं, तो उससे वो असलम शेख की वजह से 100% यहाँ पर उनको फर्क होने वाला है। और भूषण पाठी को, इस उम्मीदवार को इसका फायदा होने वाला, इसलिए हमने पहले ही कह दिया कि मलाड विधानसभा से कम 1 लाख वोट हम उनको दे देंगे। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी में जोश और उत्साह बहुत ही हमें देखने को मिला, लेकिन इसके लिए हमें करना होगा 4 मई का इंतजार। क्या होगा नतीजा? 4 दिन माफ कीजिएगा, 4 दिन करना होगा हमें इंतजार की कौन सी वो पारी होगी जिसमें सिर पर मारकर अपनी सत्ता को बदलने में कामयाब होती है। रन बरेटो है, मैं यहाँ की तालुका अध्यक्ष हूँ। ऑब्वियसली ये जो गठबंधन है इंडिया आघाड़ी का, इससे हमारे जो स्थानिक कैंडिडेट है श्री भूषण पाटिल जी, उनको फायदा ही होगा, नुकसान की कोई बात ही नहीं है। जो यहाँ का बीजेपी का कैंडिडेट है वो बाहर से आया हुआ कैंडिडेट है, हमारा जो कैंडिडेट है वो स्थानिक है। जो पीयूष गोयल जी है उनको ऐसे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगा होगा कि ये सीट बहुत ही एकदम विनिंग सीट थी उनके लिए फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ओके, तो उनको ऐसा लगा रहेगा कि अभी वो पीयूष गोयल को यहाँ पर लाएंगे तो जैसे एकदम मस्ता वाली सीट है तो उनको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। हमारा कैंडिडेट स्थानिक है, बार बार हम ये बोलते हैं, क्योंकि जो बाहर से आते हैं उनको हम वोट नहीं देंगे, उनको हम यहाँ पर खड़ा नहीं करेंगे। हमारे पास एक स्थानिक आमदार है, तो हमने देखा है कि हमारे लोगों को कोई भी जरूरत होती है, किसी भी चीज की जरूरत होती है, हमें कहीं और जाना नहीं पड़ता, हम ऑफिस में आते हैं, लोगों का काम करते हैं। अगर पीयूष गोयल जी मानो जीतेंगे तो नहीं, बीजेपी को ये सवाल है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो सपोर्टर्स है, उनको ये सवाल है, अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो उनको मिलने के लिए कहाँ जाओगे आप लोग? दिल्ली? तो इसीलिए हमारा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है और हम ही जीतेंगे। यहाँ का जो डिक्लेयर हुआ कि यहाँ पर भूषण पाटिल को लड़ाया जाएगा, तो कहा जा रहा था कि असलम शेख को ये टिकट मिलने वाला था, उस पर क्या कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो नाराज है? नहीं, हम तो नाराज नहीं है, हम तो चाहते हैं हमारे एमएलए ही रहे। ओवर द पीरियड, ओवर फ्यू इयर्स अगर सर लड़ना चाहते हैं तो हम सब उनके साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे सर दिल्ली के तख्त पर जाके बैठे, कोई ऐसा कोई भी यहाँ का मलाड का रहवा के जैसा नहीं चाहता, लेकिन सबके लिए एक टाइम होता है। मैं ये मानती हूँ उद्धव सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पालक मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री थे, तो उसी के बिहार में लोग कह रहे थे कि असलम से को ये टिकट मिलना चाहिए था। सब लोग जो असलम समर्थन है, असलम के जो फैन है, वो नाराज कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं है हम, लेकिन हाँ, हम सभी यही चाहते थे कि अगर हमारे भाई ये सीट लड़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन हम नाराज नहीं है, हम बहुत खुश है कि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया है और हम सब उनको जिताने के लिए बहुत बहुत मेहनत करेंगे। मलाड में इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जोश था, क्या रणनीति के साथ इस मलाड में और इस
जो लोकसभा चुनाव में जो भूषण पाटिल जो लड़े हैं वो क्या क्या रणनीति के साथ? कोई रणनीति नहीं है। भूषण पाटिल इस इलाके के रहने वाले हैं और इस इलाके के लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ का हमारा स्थानीय उम्मीदवार है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और भूषण पाटिल की मैं देखा हूँ किसी को हम लोग बुलाते नहीं, उसके बाद भी हमारी इतनी बड़ी लेनी हो रही है। तो मैं आपको ऐसा बता दूं कि भूषण पाटिल जो है बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे लोगों को भरोसा इस बात का है। और 20 तारीख के दिन इस इलाके जहाँ हम खड़े हैं एक एक वोट सारे वोट भूषण पाटिल को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। आज फील्ड शेयरिंग में कुछ आपको लग रहा है दिक्कत आएंगी? नहीं, हम सब भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम आज नहीं एमएलए का भी मिलकर लड़ेंगे, नगर सेवक का मिलकर लड़ेंगे, फिर अगला इलेक्शन एमपी का आएगा उसको भी मिलकर लड़ेंगे। हम सब एकदम साथ में रहेंगे और साथ में रहकर इस देश का विकास करना है। कांग्रेस पार्टी 70 साल में अपने देश में कोई तकलीफ नहीं इस तरह बचा कर रखा था, मगर आज सोशल मीडिया देखने के बाद आपको समझ में आता है कि क्या माहौल हमारे देश के लिए है। हम लोग जो है देश को किसी तरह से कमजोर ना हो, देश में हमेशा पावर रहे, देश के लोग सुरक्षित रहे, ये अगर योजना किसी की है तो ये हमारे जो है कांग्रेस पार्टी की है, शिवसेना की है, जो हमारे साथ में सारे लोग साथ। देखिए अलायंस बहुत बनते हैं और टूटते हैं, ये इंडिया अलायंस जो बना था तो उसमें नीतीश कुमार का बहुत ही मेन हाथ था और उसमें ममता बनर्जी भी थी। अब ये दोनों इस इंडिया अलायंस से नहीं है तो क्या ये कब तक रहेंगे, ये कितना दूर तक ये अलायंस जाए? हमारा देश बहुत बड़ा देश है, ये जिनकी बातें करते हैं एक राज्य बिहार के हैं और बंगाल के, इससे जैसे पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है 29 राज्य है सब में ताकत रखती है, इसलिए कोई एक दो आदमी किसी राज्य का नेता टूट गया तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम लोग जो है उसमें कोई इस बात का टेंशन नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मनसे के हमारे राज ठाकरे ने सपोर्ट किया था कांग्रेस को और इस बार बीजेपी को सपोर्ट करे तो क्या उसका नुकसान होगा? नहीं, उसमें बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। और राज ठाकरे साहब का बहुत एक नाम है, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं महाराष्ट्र में, मगर उनको किस तरह से अमित शाह ने समझा लिया ये बात समझ में नहीं आती। मैं ये कहूँगा कि राज ठाकरे साहब का जो है फायदा नहीं नुकसान ही है।